Good afternoon, all of you. How are you all? In last video, we studied our first chapter of physics from the IIT syllabus. In last video, we discussed on the different physical quantities, fundamental quantities and derived quantities, and then we discussed on the different systems of unit. And today we are continue with the same chapter, and the next heading of this chapter is prefix to the power of 10. It means at many places to show the numbers we use the power of tens. So what is the power of tens? It is need to necessary before discuss on that part. Means हम कैसे उसको denote करेंगे? एक हमारे पास जैसे मान लीजिए हमारे पास एक number है, अगर हमारे पास एक meter है तो और उसको हमें write करना है, हम कैसे लिख देंगे 1 meter. अगर हमको मान लीजिए उसकी जरूरत पड़ती है कि हमको लिखना है 10 to the power, हमको लिखना है सॉरी अगर हमको लिखना है 1 crore meter, तो हम कैसे लिखेंगे? हम 1 लिखेंगे और 1 पर कितनी जीरो लगती है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh crore, 7 zero. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 पर हमको 7 zero लगानी पड़ेगी, फिर मीटर लिखेंगे, तब वो 1 crore meter होगा. लेकिन जब लॉन्ग नंबर्स बहुत लॉन्ग होंगे लिखने में मिस्टेक्स भी हो सकती है, अगर 1 zero कम होती है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? पावर्स का यूज करते हैं. तो 1 crore को हम कैसे लिख सकते हैं? 1, उस पर कितनी जीरो आती है? 7. तो पहले 0 लगाएंगे, कितना हो गया? 10 to the power 7 meter. इट मीन्स कितना हो गया ये? 1 crore meter. सिंपल, इतनी शॉर्ट फॉर्म में हमने उसको लिख दिया है ना. वैसे हमको इतनी लॉन्ग एक्सटेंडेड फॉर्म हमको लिखना पड़ती है, जिसमें हमें कंफ्यूजन भी हो सकता था. इज इट क्लियर? सो बिफोर डिस्कशन ऑन द डिफरेंट पावर्स ऑफ 10, आपने यहां पर दिख रहा होगा कि कहीं पर तो माइनस में पावर है और कहीं पर प्लस में पावर है, या कोई भी साइन लगा हुआ है वो प्लस में है. तो ये माइनस में और प्लस में पावर्स कहां पर आती है? तो एक सिंपल से एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं. सपोज हमने एक रोप ली है जिसकी लेंथ है 1 meter, है ना. अगर हम ऐसे 1 meter के पीसेस ले लें, कितने? 10. 1 piece ले लिया ऐसे, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieces ले लिए, तो हमारे पास एक रोप कितनी लंबी हो जाएगी? 10 meter लॉन्ग हो जाएगी. और 10 meter लॉन्ग रोप को अगर आपको पावर के फॉर्म में लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 10 to the power 1. इट मीन्स 1 पर 1 ही 0 रहेगा, 10 टू दी पावर 1 हम उसको लिखेंगे, लेकिन वो प्लस में होगा. 10 टू दी पावर 1 इट मींस ये 10 मीटर की बात चलेगी, इट मींस ये 10 की बात चलेगी. मीटर में हो सकता है मीटर, किलोमीटर में हो सकता है किलोमीटर. तो 10 टू दी पावर 1 मींस ओनली 10. तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 10 मीटर लॉन्ग है. अब हम माइनस कब लिखते हैं? माइनस कब लिखेंगे? जब यूनिट्स स्मॉल होती जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल हमने एक 1 meter लॉन्ग रोप लेंगे और उसके कितने पीस करेंगे? इक्वल 10 पीसेस करेंगे, और उसमें से एक पीस लेंगे तो उसका एक 10th पार्ट होगा 1 meter का. तो वो हमारा कौन सा वाला पार्ट होगा? 1 part होगा. और उसकी लेंथ जब हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 10 to the power minus 1. इज इट क्लियर? तो जब हमें स्मॉल यूनिट्स को शो करना पड़ता है, 1 meter से स्मॉल है और उनको पावर को शो करना है, तो फिर हम उसको माइनस में शो करते हैं, है ना. और अगर लेंथ पॉजिटिव भी जा रही है तो हम उसको फिर प्लस में शो करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. 10 to the power minus 1 means 1 meter का 10th पार्ट. अगर 1 meter के 10 पार्ट कर लें तो जो 1 piece होगा वो क्या होगा? 10th पार्ट होगा. 10 to the power minus 1 लिखेंगे. उसके लिए हमें प्रीफिक्स यूज करते हैं. जब भी उस नंबर को शो करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा. जैसे 1 meter के 10 पार्ट यूज किया हमने, अब उस 10th पार्ट को हम मीटर तो बोल नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? 10th पार्ट के हमेशा वर्ड यूज किया जाता है, प्रीफिक्स यूज किया जाता है डेसी. हमने मीटर के 10 पार्ट किए थे तो डेसीमीटर, ये है ना. और इसको किससे डिनोट करते हैं? सिंबल क्या है इसका? डी. देन 10 to the power 2 मीन्स 100 पार्ट. अभी हमने 1 meter के 10 पार्ट किए थे, अब हम कितने करेंगे? 100 पार्ट. 100 मीन्स 90, है ना. तो 100 स्क्वायर करते तो सेंटीमीटर के 100 पार्ट किए तो सेंटीमीटर, है ना. माइनस में लगा हुआ है उससे छोटे पार्ट की बात है, पॉजिटिव भी 10 पार्ट नहीं है, 100 पार्ट नहीं है. 10 टू दी पावर 3 मीन्स इस पर कितनी जीरो लगे होंगे? 3, मतलब 1000 पार्ट.
मिली, तो उसको कैसे शो करते हैं, मिली मीटर के पार्ट्स में, तो मिली मीटर। इसको आंसर डिनोट करते हैं दैट 10^6 जो कि लगभग 10 लाख होगा, और वो कितना पार्ट, उसको हम किससे शो करते हैं, माइक्रो से, और माइक्रो का सिंबल होता है म्यू। ये सिंबल क्या होता है, म्यू। दैट 10^-9 मींस जब इसमें हम 9 जीरो लगाते हैं तब हमारा जो नंबर होगा उतना पार्ट, जैसे कि मान लीजिए 9 जीरो कब होगी, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 1 arab मींस 1 अरब पीसेस जब हमने, जब 1 अरब पीसेस हम करेंगे तब उसमें से एक पार्ट जो होगा 1 मीटर के 1 अरब पीसेस करने का जो एक पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, नेम, और इसको हम किससे शो करेंगे, एन से। 10^12 इसके इतने सारे पीसेस करेंगे, 12 जीरो लगी हुई है तो वो क्या होगा, उसका एक पार्ट हमको मिलेगा पीको, वहां का प्रीफिक्स क्या यूज किया जाएगा, पीको मीटर, अगर मीटर का किया हुआ है तो, और किससे शो करते हैं, स्मॉल पी। देन हम आ जाते हैं, अब आ जाएंगे हमारी पॉजिटिव वैल्यू, 10^3 मीन्स 1000 मीटर के बाद चले, 3 जीरो लग जाएंगे 1 बार, 1000 मीटर के बाद चले, 1000 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, किलो, किसमें यूज करते हैं इसको, किलो, अगर 1000 है तो किलो, किलो को स्मॉल की से डिनोट करते हैं, और अगर बात चलिए 10^6 मींस कितने हो जाएंगे ये, 10 लाख आपके, 10 लाख अगर क्या हो रहे हैं आपके मीटर हो रहे हैं, तो वहां पर हम मेगा वर्ड यूज करेंगे। मेगा आपको बहुत सारे जगह आपने सुना होगा, जो मोबाइल की मेमोरीज होती है वो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, वो सभी यही वाली चीज होती है, है ना। 10^6 मीन्स 10 लाख, तो उसको वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मेगा, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और अगर 10^9 लिखा हुआ है तो हम उसको गीगा से डिनोट कर, गीगा शो कर, गीगा प्रीफिक्स यूज करेंगे और कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। अगर 10^12 अगर है पॉजिटिव तो हम फिर वहां पर प्रीफिक्स यूज करेंगे टेरा, जो आजकल लैपटॉप में मेमोरी आती है टेराबाइट, है ना, इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ओके, देन हियर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ वी सी, यहां पर हम कुछ प्रैक्टिकल लेंस देखेंगे, हम कौन कौन से देखेंगे, सिर्फ सारे सुनी हुई भी होंगी, लाइट ईयर सुना होगा आप लोगों ने, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। अब ये होती कितनी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर, लाइट जो 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेवल करती है, वो डिस्टेंस क्या होती है, 1 लाइट ईयर, जो कि बहुत ज्यादा होती है। उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, पहले लाइट की जो स्टैंडर्ड स्पीड है, लाइट की जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो हमारे पास है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो 3×10^8 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है, है ना, 3×10^8 मीटर पर सेकंड। अब हमें से कैलकुलेट करना है, हमें क्या निकालनी है, लेकिन डिस्टेंस निकालनी है, हमारे पास स्पीड है, हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसमें अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, क्या हो जाता है फॉर्मूला, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड टाइम उधर आ जाता है और डिस्टेंस अलग रह जाता है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या होगा, स्पीड की पड़ेगी, तो स्पीड हमारे पास है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास है कितना, 1 ईयर का हमारे पास टाइम है, 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस कवर, जितनी ट्रेवल होती है वो क्या होगी, उसकी डिस्टेंस होगी, तो हमारे पास टाइम है 1 ईयर का, लेकिन हमें उसको किस टाइम को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हमें मीटर में फाइंड करनी है, तो हमको टाइम किस में लिखना पड़ेगा, सेकेंड में। तो जो 1 ईयर है उसको हम सेकेंड में कैसे लिखेंगे, ये देखिए, सबसे पहले तो हमने स्पीड लिखी यहां पर 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड दी हुई थी वो स्पीड हमने यहां पर ले लिया। देन 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365.25, अगर वैसे जनरली हम 365 डेज बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते कितने हैं, 365.25, इसलिए 0.25 जब 4 ईयर्स में जुड़ते जाते हैं तो एक लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं, तो ये 0.25 ऐड होते जाते हैं और
एवरी फोर ईयर में क्या होता है, एक लीप ईयर होता है. ओके, तो एग्जैक्ट हम टाइम लिखेंगे 365.25 ये डेज हो गए. अब इन डेज में कितने पर डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो इनटू 24. अब हर आवर में इन ईच आवर हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, 60. एंड इन एवरी मिनट हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर, इनटू अगेन 60 सेकंड्स होते हैं हर मिनट में. अब जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 9467280 इंटू 10^8 मीटर. इतनी हमारे पास क्या मिली हुई है, हमारे पास डिस्टेंस मिली हुई है जो 1 लाइट ईयर में ट्रेवल होती है, इतने मीटर. इसको लेकर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, हम क्या करेंगे, हम यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स बिफोर हम क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे. अगर हमने बिफोर 7 डिजिट हमने डेसिमल यूज किया है, तो वो 7 यहां से जो 0 आएंगे उसके बाद वो कहा हो जाएंगे, 10^8 में एड हो जाएंगे 7. तो 10^8 + 7 मीटर. ओके, तो अब राउंड फिगर में इसको आप जब हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 9.467 3 digits डेसिमल के बाद इनटू 10^8 or 7 15 10^15 मीटर. इट मींस 1 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस होती है, अगर मीटर में हम लेते हैं तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 इनटू 10^15 मीटर. ओके, देन अनदर यूनिट फॉर द लेंथ इज आर्मस्ट्रॉन्ग. इसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, ऊपर एक टी का साइन होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग से शो करते हैं. अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है ना, ये बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है, हमने यहां पर जो देखी थी इनसे भी स्मॉल होती है. 1 angstrom इज इक्वल टू 10^-10 10^-10 इट मींस 1/10 आएंगी, और वो लगभग कितना होगा हम यहां से काउंट कर सकते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh, 10 crore, 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 10 crore. मीन्स इतने सारे नंबर्स, इतने सारे पीसेस जब किए जाएंगे एक मीटर के, 1 मीटर के इतने अरब पीसेस जब हम करते हैं, तो उनमें से एक पार्ट जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 angstrom, जिसको हम नेक्ड आई से देख ही नहीं पाएंगे, माइक्रोस्कोप भी बहुत ही कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ही स्मॉल साइज होगी. अब अगर हम बात करते हैं एक और फर्मी, जो एक यूनिट है टू मीजर द लेंथ, इट इज ऑल्सो अ यूनिट फॉर लेंथ, ये इससे भी स्मॉल यूनिट होती है, और ये कितनी होती है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10^-15 मीटर. इट मींस 1 मीटर के इतने सारे फीस करें, 1 पर 15 जीरो लगाइए, उसको काउंट करेंगे, इतने पीसेस 1 मीटर के जब हम करेंगे, तब हमारी उसमें से एक पार्ट क्या होगा, 1 फर्मी. इट मींस इट इज टू स्मॉल. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क. गुड लक.